प्यारे बच्चों, सर्किल पॉइंट चैनल पर आप सबों का स्वागत है। मैं एम चक्रवर्ती जीके जेएस के इतिहास की श्रृंखला को आज बढ़ाते हुए मौर्य प्रशासन से, मौर्य साम्राज्य से हम लोग का चौथा क्लास है। ध्यान दीजिएगा, मौर्य साम्राज्य से हम लोगों का चौथा क्लास है। तीन लगातार वीडियो आप लोगों को क्लास YouTube पर अपलोड कर दिया गया है। आप जो बच्चे पहली बार अभी आप चैनल को देख रहे होंगे, YouTube के चैनल से प्लेलिस्ट से आप निकाल लीजिएगा सर्किल पॉइंट YouTube चैनल से, ठीक है, और वहां से आप इसको देख लेंगे ताकि आज का क्लास आपको बेहतर तरीके से समझ में आए। और जो बच्चे रेगुलर देख रहे हैं आप आराम से देखिए, आपको चलिए पूरी बात समझ में आएगी। आज हम लोग का है सम्राट अशोक की कहानी को आगे बढ़ाते हुए, उसके अभिलेख को हम लोग कल देखे थे। कल अभिलेख के बारे में बताए थे कि अभिलेख का अध्ययन क्या कहलाता है। उस सब बातों से आगे बढ़ते हुए हम लोग देखेंगे आज कि अशोक के अभिलेख को तीन भागों में बांटा गया। आपसे पूछेगा कि अशोक के अभिलेख को कितने भागों में बांटा गया है, तो आपका जवाब होगा तीन भागों में। अशोक के अभिलेख को कितने भागों में बांटे हैं, तीन भागों में। पहला शिलालेख है जिसका संख्या 14, दूसरा स्तंभ लेख है जिसकी संख्या 7 है, और एक गुहा लेख है। गुहा लेख मतलब जो गुफाओं में लिखते थे, गुफाओं की दीवारों पर। शिलालेख बड़े बड़े पत्थरों पर लिखा जाता था। स्तंभ लेख होता था एक लंबे आकार का स्तंभ पाया बना हुआ था उस पर लेख लिखा जाता था। और गुहा लेख हुआ जो गुफाओं में, तो क्या कहता देखेंगे गुहा लेख के बारे में। गुफाओं में दीवारों पर अंकित लेखों को गुहा लेख कहते हैं। गुफाओं में दीवारों पर अंकित लेखों को गुहा लेख कहते हैं। बिहार के गया के निकट, बिहार के गया के निकट बराबर पहाड़ियों में चार गुफाओं में से, ध्यान दीजिएगा, बराबर में आजीविकों को रहने के लिए अशोक ने चार गुफाओं का निर्माण कराया था। तो चार गुफाओं में से तीन के दीवारों पर प्राकृत तथा ब्राह्मी लिपि में, प्राकृत तथा ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण लेख इसके सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। किसके? गुहा लेख के। गुहा लेख का उदाहरण कहां मिलेगा? बराबर की पहाड़ियों में चार उसमें गुफा का निर्माण करवाया गया था, जिसमें से तीन की दीवारों पर लेख अंकित किया गया है। भाबरू अभिलेख में अशोक ने स्वयं को सम्राट कहा है। ध्यान दीजिएगा, किस अभिलेख में अशोक ने स्वयं को सम्राट कहा है? तो भाबरू अभिलेख में। भाबरू अभिलेख में अशोक ने स्वयं को सम्राट कहा है। अब देखेंगे स्तंभ लेख के बारे में हम लोग देखेंगे। तो स्तंभ लेख कहता है कि केवल ब्राह्मी लिपि में प्रयोग किया गया है। स्तंभ लेख में किस लिपि का प्रयोग हुआ? तो केवल ब्राह्मी लिपि का। स्तंभ लेख में किसका? तो केवल ब्राह्मी लिपि का प्रयोग हुआ है। और स्तंभ लेख 6 स्थानों से प्राप्त हुआ। स्तंभ लेख कितना? 6 स्थानों से प्राप्त होता है। स्तंभ लेख में किस लिपि का? तो केवल ब्राह्मी लिपि का। किसने स्थान से प्राप्त हुआ? तो 6 स्थान से। पहला है प्रयाग स्तंभ लेख। प्रयाग स्तंभ लेख, ध्यान दीजिएगा, पहला है प्रयाग स्तंभ लेख। इसका सबसे बड़ा विशेषता यह है कि अकबर ने कौसाम्बी स्थित, या कौसाम्बी में था, अकबर ने कौसाम्बी स्थित इस स्तंभ लेख को इलाहाबाद के किले में, इलाहाबाद के किले में स्थापित करवाया था। कहेगा प्रयाग स्तंभ लेख को इलाहाबाद के किले में कौन स्थापित करवाया? तो अकबर स्थापित करवाया, ठीक है, अकबर स्थापित करवाया। कहाँ से? तो कौसाम्बी से। और इसका निर्माण करवाया था अशोक, लेकिन इसको इलाहाबाद के किले में स्थापित कौन करवाया है? अकबर करवाया है। इसे रानी का स्तंभ लेख भी कहा जाता है। कहेगा रानी का स्तंभ लेख किसे कहेंगे? तो प्रयाग स्तंभ लेख को। रानी का स्तंभ लेख किसे कहेंगे? तो प्रयाग स्तंभ लेख को रानी का स्तंभ लेख भी, या रानी का अभिलेख कहा जाता है। इलाहाबाद का नाम ध्यान दीजिएगा, नोट करके लिख लेंगे, अब प्रयागराज हो गया। इलाहाबाद का नया नाम क्या हो गया? प्रयागराज। हालांकि इलाहाबाद का पुराना नाम प्रयागराज था ही, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि उसका नया नाम, पुराने नाम को फिर से एक बार वही रूप दिया गया जो कि इलाहाबाद बदल के कर दिया गया था, तब पुनः इलाहाबाद को खत्म करके प्रयागराज लाया गया। ये भी आप ध्यान में रखेंगे इस पॉइंट को। दूसरा देखेंगे दिल्ली टोपड़ा स्तंभ लेख, दिल्ली टोपड़ा स्तंभ लेख। और तीसरा है दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख। तो देखेंगे दिल्ली टोपड़ा, दिल्ली मेरठ, अर्थात कहने का अर्थ यह हुआ कि फिरोज शाह तुगलक द्वारा टोपड़ा से दिल्ली लाया गया था। दिल्ली टोपड़ा स्तंभ लेख पूछेगा कि दिल्ली में कौन स्थापित करवाया? तो फिरोज शाह तुगलक। और दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख, ये मेरठ में था, दिल्ली में कौन स्थापित करवाया? फिरोज शाह तुगलक। तो दिल्ली टोपड़ा स्तंभ लेख को और दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख को कौन स्थापित करवाया है दिल्ली में? तो फिरोज शाह तुगलक। एक टोपड़ा से दिल्ली और एक मेरठ से दिल्ली स्थापित करवाया फिरोज शाह तुगलक, आप याद रखेंगे। अगला पॉइंट, रामपुरवा स्तंभ लेख और लौरिया आर्यराज स्तंभ लेख।
रामपुरवास्तम लेख और लौरिया अरेराज स्तंभ लेख बिहार के चंपारण जिला में है, बिहार के चंपारण जिला में कहेगा रामपुरवा स्तंभ लेख और लौरिया अरेराज स्तंभ लेख कहाँ है, तो बिहार के चंपारण जिला में है। अशोक का सातवां स्तंभ लेख सबसे लंबा है, कौन सा स्तंभ लेख सबसे लंबा है, सातवां। अशोक का कौन सा स्तंभ लेख सबसे लंबा है, तो आपका जवाब क्या होगा, सातवां स्तंभ लेख सबसे लंबा है। अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख रुमनी देई है, सबसे छोटा स्तंभ लेख कौन होगा, रुमनी देई, याद रखेंगे सबसे छोटा स्तंभ लेख रुमनी देई होगा। इसी में ध्यान दीजिएगा, जो सबसे छोटा स्तंभ लेख है लुमनी देई में ही चर्चा क्या आया है कि इसी स्तंभ लेख में लुमनी में धम्म यात्रा के दौरान, लुमनी जहां की भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था, लुमनी में धम्म यात्रा के दौरान अशोक द्वारा भू राजस्व की दर घटा देने की घोषणा की गई, भू राजस्व की दर घटा देने की घोषणा की गई है। कहने का अर्थ यह हुआ समझिएगा कि लुमनी में क्या हुआ था कि जहाँ पर बुद्ध का जन्म हुआ, जहाँ बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, बुद्ध ने जहाँ परिनिर्माण प्राप्त किया, सभी जगहों पर अशोक है बौद्ध धर्म अपनाने के बाद घूमने जाता है, ठीक है। तो अशोक का क्या लुमनी में यात्रा के दौरान क्या किया है, लुमनी देई स्तंभ लेख में चर्चा है कि लुमनी में धाम यात्रा के दौरान अशोक है जो भू राजस्व की दर घटाने की बात कहा है, तो कहेगा किस यात्रा के दौरान, किस यात्रा के दौरान अशोक ने जनता के लिए भू राजस्व दर घटाने के बाद कहा है, तो लुमनी यात्रा के दौरान। इसका चर्चा पूछेगा कि कहां मिलेगा, तो जवाब क्या देंगे, रुमनी देई स्तंभ लेख में, जो कि सबसे छोटा स्तंभ लेख है अशोक का। चलिए अगला, रुमनी देई स्तंभ का संबंध भगवान बुद्ध के जन्म से, ध्यान दीजिएगा रुमनी देई स्तंभ का संबंध किससे है, भगवान बुद्ध के जन्म से है, ठीक है। अगला पॉइंट हम लोग स्तूप के बारे में देख लें, तो स्तूप का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, स्तूप का सर्वप्रथम उल्लेख कहां मिलेगा, ऋग्वेद में, स्तूप का सर्वप्रथम उल्लेख मिलेगा ऋग्वेद में। स्तूप का निर्माण ईंट से किया जाता था, स्तूप का निर्माण किससे करते थे, ईंट से। स्तूप का निर्माण का उल्लेख, स्तूप का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है और स्तूप का निर्माण ईंट से किया जाता था। सांची का स्तूप ध्यान दीजिएगा विदिशा मध्य प्रदेश में है, क्वेश्चन पूछता है सांची का स्तूप कहाँ है, विदिशा मध्य प्रदेश में। भरहुत का स्तूप ध्यान दीजिएगा यह है सतना मध्य प्रदेश में, सतना मध्य प्रदेश में। एक है धर्मराजी का स्तूप जो कि सारनाथ में है, सारनाथ स्थित धर्मराजी का स्तूप है जिसका निर्माण कौन करवाया, अशोक ने, जिसका निर्माण कौन करवाया, अशोक ने। फिर ध्यान दीजिएगा स्तूप के बारे में, स्तूप का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलेगा, ऋग्वेद में मिलेगा। स्तूप का निर्माण ईंटों से किया जाता था। सांची का स्तूप कहाँ है, तो विदिशा मध्य प्रदेश में। भरूत का स्तूप कहाँ है, तो सतना मध्य प्रदेश में। एक धर्मराजी का स्तूप जो कि कहाँ है, सारनाथ में, जिसका निर्माण कौन करवाया, अशोक ने। निर्माण कौन करवाया, अशोक ने। तो बच्चों ये अशोक के अभिलेख का वीडियो हम लोगों को चल रहा है, क्लास चल रहा है आप लोगों को, ठीक है ना। तो इस क्लास को हम अभी आगे कुछ और प्रश्नों के साथ आगे बढ़ाते हैं। चलिए बच्चों, तो मौर्य साम्राज्य में आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, देखेंगे अगला प्रश्न। अर्थशास्त्र में गुप्तचर को क्या कहते थे, गुढ़ पुरुष, है ना। अर्थशास्त्र में गुप्तचर को ले क्या कहा गया, गुढ़ पुरुष, या कहेगा गुढ़ पुरुष का अर्थ क्या होता था, तो गुप्तचर। अगला देखेंगे, वाणिज्य व्यापार का अध्यक्ष होता था कौन, तो पनियाध्यक्ष। पनियाध्यक्ष का क्या अर्थ क्या होता था, पनिया अध्यक्ष, वाणिज्य व्यापार का अध्यक्ष होता था। सीताध्यक्ष, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पनिया अध्यक्ष और सीताध्यक्ष, सीताध्यक्ष कृषि विभाग का अधिकारी था, कृषि विभाग का अधिकारी। कहेगा कृषि विभाग का अधिकारी कौन होता था, सीताध्यक्ष। वाणिज्य व्यापार का अध्यक्ष कौन होता था, पनियाध्यक्ष। सरकारी भूमि को सीता भूमि कहते थे, जो सरकार मतलब राजा के अंतर्गत अधीन में जो भूमि होता था उसको हम कहते थे सीता भूमि। अब देखेंगे अच्छ पटलिक कौन होता था, महालेखाकार होता था, तो महालेखाकार कौन था, अच्छ पटलिक। माप तौल का अधिकारी कौन होता था, पौतवा अध्यक्ष। माप तौल का अधिकारी कौन होता था, पौतवा अध्यक्ष। पुलिस अधिकारी के लिए कौन शब्द आया था, रक्षिण, पुलिस अधिकारी के लिए रक्षिण। तो फिर से ध्यान दे दीजिएगा, वाणिज्य व्यापार का अध्यक्ष पनियाध्यक्ष, कृषि विभाग का अधिकारी था कौन, सीताध्यक्ष। महालेखाकार कौन होता था, अच्छ पटलिक। माप तौल का अधिकारी कौन, पौतवाध्यक्ष। और पुलिस अधिकारी कौन, रक्षिण। मौर्य वंश का राजकीय चिन्ह पूछेगा तो क्या था, मयूर। मयूर मौर्य वंश का राजकीय चिन्ह था, ठीक है, मयूर मौर्य वंश का राजकीय चिन्ह था। मौर्य काल में आम जनता की भाषा पाली थी, पूछेगा मौर्य काल में आम जनता का भाषा क्या था, तो पाली।
तक्षशिला में मौर्य काल में उच्च शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र था। तक्षशिला मौर्य काल में उच्च शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र था। तो मौर्य काल में उच्च शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र कौन? तक्षशिला, जो कि अभी वर्तमान में पाकिस्तान में है। ठीक है, अब पूरे वर्ल्ड में सबसे पहला यूनिवर्सिटी तक्षशिला में ही खोला गया था, और सबसे बड़ा जो नालंदा में था हम लोगों का, जो कि ध्वस्त करवा दिया था बख्तियार खिलजी के द्वारा। मोगली पुत्र तिस्म ने कथा वस्तु की रचना की थी। पूछेगा कथा वस्तु का रचना कौन क्या था? मोगली पुत्र तिस्म कथा वस्तु का रचना कौन क्या? मोगली पुत्र तिस्म। अशोक ने तक्षशिला में विद्रोह के दमन के लिए अपने पुत्र कुणाल को भेजा था। ध्यान दीजिएगा, किसको भेजा था? तब कुणाल को, पोता था, कुणाल था इसका पोता, उसको भेजा था। फिर से ध्यान दीजिएगा, अब बिंदुसार के समय में जब तक्षशिला में विद्रोह हुआ तो सुसीम को भेजा था बिंदुसार, बड़ा पुत्र, और फिर अशोक को भेजा था। अब अशोक के समय तक्षशिला में जब विद्रोह हुआ तो किसे भेजा? कुणाल को। किसे भेजा? कुणाल को। अशोक के समय बुद्ध की मूर्ति पूजा का उल्लेख नहीं है। अशोक के समय बुद्ध की मूर्ति पूजा का कोई उल्लेख नहीं है। बुद्ध की मूर्ति पूजा का उल्लेख कुषाण काल में मिलता है। ठीक है, उस समय अशोक के समय स्तूप को ही पूजा जाता था। ठीक है, मूर्ति पूजा में विश्वास बौद्ध धर्म वाले नहीं रखते थे। ये कनिष्क के समय बुद्ध की मूर्ति पूजा किसके समय आई थी? कनिष्क के समय, जो कि कुषाण वंश के शासक हुए थे। अगला देखेंगे, व्यवसाय एवं व्यापार कर का अधिकारी कौन होता था? शुक्ला अध्यक्ष। व्यवसाय एवं व्यापार कर का अधिकारी कौन होता था? शुक्ला अध्यक्ष। कृषि भूमि का अध्यक्ष कौन होता था? सीता अध्यक्ष। जिले का अधिकारी कौन होता था? अग्रोनोमाई। जिले का अधिकारी कौन होता था? अग्रोनोमाई। खानों का नियंत्रक कौन होता था? अकरा अध्यक्ष। खानों का नियंत्रक कौन? अकरा अध्यक्ष। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था किसका? तो लकड़ी का। पाटलिपुत्रा में जो चंद्रगुप्त मौर्य का महल था, मुख्यतः किसका बना हुआ था? लकड़ी का बना हुआ था। अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाते हुए हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी, इसका प्रमाण क्या है? देव नाम प्रिय की उपाधि। ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा, अशोक बौद्ध होते हुए मतलब बौद्ध धर्म को अपनाते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी, इसका प्रमाण क्या था? देव नाम प्रिय की उपाधि। सार्थवाह किसे कहते थे उस समय मौर्य काल में? सार्थवाह किसे कहते थे? तो व्यापारियों के काफिले को क्या कहा जाता था? सार्थवाह कहता था। कालसी जो कि देहरादून में, कालसी जो कि कहाँ? देहरादून में। किस लिए प्रसिद्ध है? तो अशोक के शिलालेख के कारण। कहाँ है? देहरादून, उत्तराखंड में, देहरादून में। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का उल्लेख है? तो इंडिका। जिसके रचनाकार कौन थे? ध्यान दीजिएगा, अब बताइए कि वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का उल्लेख है? तो इंडिका। जिसके रचनाकार कौन? मेगास्थनीज यूनान से आया था। किसके दरबार में? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। कौन भेजा था? सेल्यूकस निकेटर भेजा था। मौर्य काल में भाग एवं बलि क्या थे? ध्यान दीजिएगा, भाग एवं बलि क्या थे? तो राजस्व का स्रोत था। आपको पता है उपज का 1/6 भाग लिया जाता था टैक्स के रूप में, तो उसको भाग कहते थे। और उपहार और भेंट पर जो टैक्स लिया जाता था उसको बलि कर कहते थे। तब भाग और बलि क्या था? तो राजस्व का स्रोत था। तो बच्चों, मौर्य साम्राज्य आज हम लोगों का समाप्त होता है। इसका 4 क्लास आप लोगों का चला। मैं उम्मीद करता हूं कि इस सभी प्रश्न को अगर आप देख लेते हैं तो मौर्य से अगर कोई प्रश्न एग्जाम में आता है तो छूटने की संभावना कम हो जाती है। और आप सभी बच्चे टेलीग्राम पर टेस्ट लगा के जरूर लें, क्योंकि टेलीग्राम के माध्यम से आपको समय समय पर प्रश्न के द्वारा आपको टेस्ट ले लिया जाता है, जिससे आपको पता चले कि आपने जो पढ़ा है वो आपसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बच्चे मौर्य साम्राज्य को अच्छी तरीके से देखेंगे, इसका एक प्रॉपर नोट्स आप लोग बना लीजिए, ताकि आप लोगों को रिवीजन करने में एग्जाम के समय कोई दिक्कत ना हो। तो मिलते हैं कल के क्लास में। तब के लिए जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।